दोस्तों अगर बात की जाए 15,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की, तो यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से गाइज आप ज़्यादा पैसा देकर भी एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन नहीं खरीद पाते हैं। तो आज के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गाइज हम लेकर आए हैं टॉप 5 पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स का एक और नया और बेहतरीन कलेक्शन। यहाँ पर गाइज आखिरी के 2 स्मार्टफोन्स आपके लिए काफी खास होने वाले हैं, तो वीडियो को गाइज एंड तक जरूर एंजॉय करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Get ready to battle. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे 5वें नंबर के स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर Realme Narzo 50 हमारे इस कलेक्शन में 5वें नंबर पर है। ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शंस में मिल जाता है, साथ ही 2 वेरिएंट्स में यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। पहला 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ ही दूसरा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलने वाला है। हमारे इस कलेक्शन में गाइस 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट यहां पर आपको मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन के साथ आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के दम पर गाइस आप स्मूथली गेम प्ले बहुत ही आसानी से बिना किसी लैगिंग प्रॉब्लम के आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं कैमरे को लेकर, तो यहाँ पर आपको 50MP का वाइड कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा एंड 2MP का आपको डीप सेंसर मिल जाता है। इसी के साथ आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। डिस्प्ले को लेकर बात करें तो 6.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि LCD डिस्प्ले होने वाली है। चलिए बात करते हैं बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसमें गाइस आप लॉन्ग टाइम तक गेम प्ले कर सकते हो। प्राइस को लेकर बात करते हो, अगर गाइस आप 464 वाला वेरिएंट परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 11,999 की कीमत में मिल जाता है। बात करें 6128 वाले वेरिएंट की, तो यहाँ पर ये वेरिएंट आपको 14,499 की कीमत में मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में, तो पोको M4 Pro 5G यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिल जाता है, साथ ही वेरिएंट को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट्स में मिलने वाला है। पहला आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है। एंड इस प्रोसेसर के दम पर गाइस आप गेमिंग का एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैमरे को लेकर, तो यहाँ पर आपको मिलता है 50MP का वाइड कैमरा एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। माइक्रो कैमरा और डीप सेंसर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट कैमरे को लेकर, तो 16MP का यहाँ पर सेल्फी शूटर होने वाला है। डिस्प्ले यहाँ पर 6.6 इंचेस का आपको मिलने वाला है, जो कि फुल HD रहेगा। साथ ही ये डिस्प्ले आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं बैटरी पावर को लेकर, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। इसी के साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाता है। पहला 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, दूसरा आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और तीसरा आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। चलिए बात करते हैं कीमत को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको 2 वेरिएंट्स हमारे इस कलेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट आपको 464 के साथ मिलता है और इसकी कीमत है 14,999 रुपए। इसी के साथ 6128 वाले वेरिएंट की कीमत है 16,999 रुपए। लेकिन अगर आप इस वेरिएंट को ऑफर के तहत खरीदते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 15,000 के आसपास आसानी से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में, तो इन्फिनिक्स नॉट 11S हमारे इस कलेक्शन में तीसरे नंबर पर है। एंड ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिल जाता है। साथ ही अगर वेरिएंट को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट्स में मिल जाता है। पहला वेरिएंट 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ताकत को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। एंड इस स्मार्टफोन को स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है तैयार किया गया है। बात करते हैं कैमरा क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर आपको 50MP का वाइड कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा एंड 2MP का आपको डीप सेंसर मिल जाता है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16MP का होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.95 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, जो कि LCD डिस्प्ले होने वाली है, और ये डिस्प्ले आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देने वाली है। तो डिस्प्ले के मामले में गाइज आपको एक भी शिकायत नहीं मिलने वाली है। बात करें बैटरी को लेकर, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है।
इसी के साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी मिल जाता है। ये स्मार्टफोन गाइज आपको वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कीमत को लेकर। तो यहाँ पर गाइज आपको 664 वाला वेरिएंट आपको 12,499 की कीमत में मिलता है, और बात करें 8/128 वाले वेरिएंट की तो 14,499 की कीमत में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो मोटो G51 5G हमारे इस कलेक्शन में दूसरे नंबर पर है। ये स्मार्टफोन आपको दो कलर ऑप्शन में मिल जाता है। साथ ही अगर वेरिएंट को लेकर बात करें तो केवल एक वेरिएंट में ये स्मार्टफोन आपको मिलता है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्रोसेसर को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रो प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर गाइस आप हाई क्वालिटी में कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं। बात करें कैमरे क्वालिटी को लेकर तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको डीप सेंसर मिल जाता है, एंड इसी के साथ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होने वाला है। बात करें डिस्प्ले को लेकर तो यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि LCD डिस्प्ले रहेगी, एंड ये डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने वाली है। बैटरी को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। साथ ही ये स्मार्टफोन गाइज आपको IP52 वाटरप्रूफ डिजाइन के साथ मिल जाता है। यहाँ पर अगर कीमत को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 12,999 की कीमत में मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कलेक्शन के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो Vivo T1 5G हमारे इस कलेक्शन में नंबर 1 पर है। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। कैमरे को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डीप सेंसर मिल जाता है। इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर मिल जाता है। अगर डिस्प्ले को लेकर बात करें तो 6.58 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि LCD डिस्प्ले होने वाला है, एंड ये डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलने वाला है। बात करें अगर बैटरी को लेकर तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहां भी आपको मिल जाती है। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट्स में नजर आने वाला है। पहला आपको 4/128 के साथ, और दूसरा 6/128 के साथ, और तीसरा वेरिएंट आपको 8/128 में मिलने वाला है। कीमत को लेकर बात करें तो पहला वेरिएंट हमारे इस कलेक्शन में शामिल होता है, एंड ये स्मार्टफोन आपको 15,999 की कीमत में मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मुझे इन पांचों स्मार्टफोन्स में से कोई एक स्मार्टफोन लेना हो तो मैं कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करूंगा। यहाँ पर गाइज मोटो G51 5G हमें काफी पसंद आया है, क्योंकि यहाँ पर गाइज दूसरे स्मार्टफोन्स को देखते हुए इसका प्राइस भी कम है, और साथ ही स्पेक्स और फीचर्स भी बहुत ही तगड़े देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। इसी के साथ ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, तो पर्सनली मुझे ये स्मार्टफोन काफी पसंद आया। बाकी गाइज आप इन पांचों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।